हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। पता है जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का सीट अलॉटमेंट का और फी पेमेंट की डेट जो है वो जारी कर दी गई है, और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि इन सभी चीजों को लेके, इन प्रोसेस को करने के दौरान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉर्ट आउट होके ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं कमेंट देख रही हूँ आप लोगों के, और ये कमेंट आ रही है। इवन ये जो मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, ये उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में उस पर मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को बहुत केयरफुली अच्छे से देखिएगा, ठीक है। दो मेजर प्रॉब्लम है। पहला है कि सेल्फ फाइनेंस शो कर रहा है सबका, इवन जो रैंक होल्डर भी है उनका भी सेल्फ फाइनेंस शो कर रहा है। इवन मेरे क्लास में भी किसी का थर्ड रैंक है, किसी का फोर्थ रैंक है, किसी का ट्वेल्थ रैंक है, उनका भी क्या हो रहा है कि SF शो कर रहा है, सेल्फ फाइनेंस शो कर रहा है। तो ये क्या है, पहला ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। अपग्रेडेशन का मतलब कि जिनको चाहिए था पेंटिंग और मिल गया है टेक्सटाइल, वैसे में क्या करें, अपग्रेड करने का ऑप्शन रहता है तो वो चीज हम कैसे करें वो भी समझ में नहीं आ रहा। ये दो चीजों पर मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड सेल्फ फाइनेंस की, जो शो कर रहा है। तो बता दूं कि ये बहुत सारे बच्चों को शो कर रहा है, तो इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, रैंक होल्डर है और उसे भी ऐसा शो कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उनका ना जो सेल्फ फाइनेंस की फी है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। बता दूं सेल्फ फाइनेंस की फी है 20,800 समथिंग, और जो रेगुलर सीट की फी जो है वो है 10,500 समथिंग, ठीक है। तो अगर आपको SF लिख के भी आ रहा है और आपका फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है, जाहिर सी बात है हमें पता है कि हमारा जो एडमिशन होना है वो रेगुलर बेसिक पे ही होना है। तो जो SF लिख के भी आ रहा है इससे परेशान मत होइए। ये रीजन कि क्यों आ रहा है इसके लिए मैंने बात करने की कोशिश की है हेल्पलाइन पे, पर उनका भी कंसर्न है कि ये उन्होंने भी इस चीज के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं दी है, ठीक है, कि क्यों आ रहा है। बट मैं यहाँ पे आप लोग को यही कहना चाहूंगी कि इसको लेके आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। और सेकेंड चीज ये है कि हम जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है वो हम कैसे पता करें। तो बता दूं कि अभी आपको जो पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट करने का ऑप्शन कितना आ रहा है, 10,222 रुपीज समथिंग करके आ रहा है। ये आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। आई नो कि आपको, जिन लोगों को अपने मन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट मिल रहा है तो उनके लिए तो अच्छा है, जिनको नहीं भी मिल रहा है उनको भी पेमेंट कर देनी है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो है शो करेगा, लेकिन कब, आफ्टर रिजल्ट अलॉटमेंट के बाद, ठीक है, जब आपका रिमेनिंग बैलेंस आपको जब पे करना होगा। अब ये क्या है ये भी मैं समझा देती हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे एक चीज दिख रहा है, ये बता दो कि ये एक स्टूडेंट है, मेरे ही कोचिंग के स्टूडेंट है, जिन्होंने फी पेमेंट कर दी है। फी पेमेंट करने के बाद येलो में जो लिख के आ रहा है, मैं समझा दू क्या लिख के आ रहा है। अभी लिखा हो फ्रेंड्स कि योर सीट अपग्रेडेशन फी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू आर कंसीडर्ड ऑटोमेटिकली फॉर अपग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू मेरिट। इफ यू आर नॉट अपग्रेडेड यू विल हैव टू सबमिटेड योर रिमेनिंग फी आफ्टर रिजल्ट ऑफ अपग्रेडेशन और अलॉटमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। योर अलॉटमेंट लेटर विल बी जनरेट ओनली आफ्टर फुल फी सबमिशन। तो ये आपका लिखा हुआ है, बता दो कि, मतलब समझा दो कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद क्या है कि जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बच चुका है, रिमेनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि रेगुलर सीट की जो फी है 10,500 समथिंग है, और अभी आपने जो पेमेंट किया है 10,200 समथिंग पेमेंट किया है। तो मेरे ख्याल से जो आपका ये रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका आफ्टर रिजल्ट अलॉटमेंट के बाद पे करना है, और ये पे करने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, आपका सीट जो है वो बुक हो चुका है, अब आपका एडमिशन हो चुका है। और परेशान मत होइए, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ही फी है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज ये आती है कि ये तो वैसे बच्चों के लिए जिनको जो सब्जेक्ट चाहिए था वो मिल चुका है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको चाहिए था पेंटिंग पर मिला है टेक्सटाइल, तो अब क्या करें। तब यहाँ पे आपका ऑप्शन शो होगा अपग्रेडेशन का, अभी आपका ऑप्शन शो नहीं होगा। अभी आपको सिंपल पेमेंट करना है, पेमेंट हो जाने के बाद आफ्टर रिजल्ट अलॉटमेंट के बाद आपको शो करेगा अपग्रेडेशन का ऑप्शन, तब जाके आपको अपना अपग्रेड करना है वहां पे, और अपग्रेड करने के बाद देन जाके आपको आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये आती है कि अपग्रेड करने के बाद भी मुझे मेरे मन का सब्जेक्ट नहीं मिला, तब क्या करेंगे। तो बता दूं कि फिर ऑप्शन आता है, क्योंकि आपने तो पेमेंट भी कर दिया 10,200 समथिंग, तो अब पेमेंट कर दिया और आपके आपके मन का सब्जेक्ट नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं कि लाइक हमको नहीं लेना है, मुझे मेरे मन का सब्जेक्ट नहीं मिला है, कैंसिल करा सकते हैं।
हाँ, जो आपने फिर पेमेंट किया है वो पेमेंट का क्या होगा, तो बता दो कि यूजुअली उस पेमेंट का जो उस पेमेंट के लिए ना आपको रिफंडेबल का ऑप्शन होता है। ये हर यूनिवर्सिटी में रहता है कि अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया है, नहीं लिया है, तो आपको आपका जो आपने पेमेंट किया था वो रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप कि ये अपडेट से आपका काफी कुछ हेल्प हो जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.